ये तो आज ऐलान करते हैं कि जो स्वामी प्रसाद मेरा के जूता मारेगा हम उसको 10 लाख रुपया देंगे। अगर मेरे ऊपर जूता पड़ने से किसी को 10 लाख रुपया मिलना है तो मैं तो जूता खा लूंगा, क्योंकि हजारों साल से मैं जूता खाते चला आया, इन मानवादी व्यवस्था के लोगों का शिकार होते चला आया है, हजारों साल से उन्होंने अपमान किया है, इसलिए अपमान हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। पूजन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, ज्ञानी गुणी कुछ भी हो वो अगर शूद्र है उसका सम्मान मत करो, ये हमारा धर्म कैसे हो सकता है? जो हमें नीच कहता हो, जो हमें अपमानित करने की बात करता हो, वो हमारा धर्म कैसे हो सकता है? इनकी ताकत तुम हो, जिस दिन तुम इनको दान दक्षिणा देना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम इनको चढ़ावा देना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम मालपुआ हलवा खिलाना बंद कर दोगे, यह आपके पैरों पर सिद्धा देते नजर आएंगे, कहीं भी इनका कोई ठिकाना नहीं लगेगा। जिस धर्म को ये हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें भी एक चाल है, यह है ब्राह्मण धर्म, क्योंकि इस धर्म में केवल ब्राह्मणों को सम्मान मिलता है, क्षत्रियों को भी गोविंद दर्जे का दर्जा दिया गया, क्षत्रियों को भी पढ़ने लिखने से वंचित किया गया था, उनको केवल शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी, शास्त्र खुद सीखते थे, अशस्त्र विद्या क्षत्रियों को सिखाते थे। और जब मोहन भागवत जी, माननीय मोदी जी, माननीय गडकरी जी कह दिए हिंदू धर्म नहीं है, और वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह दिया, तो अंतर क्या है? लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जब कहेंगे तो हमारे मीडिया के भाई क्या लिखेंगे? विवादित बयान। और मोदी जी और मोदी जी और गडकरी जी और मोहन भागवत जी कहेंगे तो विवादित बयान लिखने की इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि लिख देंगे तो दूसरे दिन जेल की सलाखों में ये हमारे मीडिया भाई दिखाई पड़े। केंद्रीय मंत्री गडकरी जी बोल चुके हैं कि हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है। तो अगर मोहन भागवत जी के बोलने से किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, मोदी जी के बोलने से किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, गडकरी जी के बोलने से किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, तो पूरे देश में भूचाल आ गया। आखिर क्यों? इसलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आज भी ये कटी याद देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनकी व्यवस्था में हम सुसमाज में पैदा हो गए, और सुसमाज में पैदा हुआ कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये सम्मान नहीं दे सके तो स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या सम्मान देंगे? ये तो आज ऐलान करते हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जूता मारेगा हम उसको 10 लाख रुपया देंगे। अगर मेरे ऊपर जूता पड़ने से किसी को 10 लाख रुपया मिलना है तो मैं तो जूता खा लूंगा, क्योंकि हजारों साल से मैं जूता खाते चला आया, इन मानवादी व्यवस्था के लोगों का शिकार होते चला आया है, हजारों साल से उन्होंने अपमान किया है, इसलिए अपमान हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो कसम खाया हूं इस अपमान करने वाले लोगों का बोरिया बिस्तर बंधवा के रख दूंगा, क्योंकि जिसे अपमानित करते हैं, ये जिसे अपमानित करते हैं इनको वही जिंदा करके रखा हुआ है। हमारे यहां पर बैठे हुए सत्सोलक समाज के इस कार्यक्रम में आए हुए भाइयों बहनों, चढ़ावा तुम देते हो धर्म के नाम पर, दान दक्षिणा तुम देते हो, मालपुआ पूरी तुम खिलाते हो, इनकी ताकत तुम हो। जिस दिन तुम इनको दान दक्षिणा देना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम इनको चढ़ावा देना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम मालपुआ हलवा खिलाना बंद कर दोगे, यह आपके पैरों पर सिद्धा देते नजर आएंगे, कहीं भी इनका कोई ठिकाना नहीं लगेगा। इसीलिए अगर ये हमें अपमानित कर रहे हैं तो उसके दोषी हम हैं, हमारा समाज है, हमारा समाज इनको चढ़ावा देना बंद कर दे, दान दक्षिणा देना बंद कर दे, पैसा देना बंद कर दे, मालपुआ हलवा खाना बंद कर दे, तो हमारा अपमान करना भी बंद कर देंगे। हम इनको खिलाते रहेंगे तो ये हमें अपमानित करते रहेंगे। और समझ लेना साथियों, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, सही मायने में जो सच है वही सच है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, पहले कभी वैदिक काल था, जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, फिर उसके बाद हमारी तमाम अन्य संस्कृतियां आई, अन्य धर्मावलंबी भी आए, कभी यहूदी आया, कभी यूनानी आया, कभी मुगल आया, कभी अंग्रेज आए, कभी डच आए, हमने तो सभी संस्कृतियों को देखा।
लेकिन मैं केवल इतने कहना चाहता हूं साथियों कि आज हमारा संस्कार है भाईचारे का। हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। हम तो भाईचारा पैदा करना चाहते हैं और ये भाईचारा तोड़ना चाहते हैं। और साथियों जिस धर्म को ही हिंदू धर्म कहते हैं इसमें भी एक चाल है, ये है ब्राह्मण का, क्योंकि इस धर्म में केवल ब्राह्मणों को सम्मान मिलता है। क्षत्रियों को भी गोविंद दर्जे का दर्जा दिया गया, क्षत्रियों को भी पढ़ने लिखने से वंचित किया गया था, उनको केवल शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी। शास्त्र कुछ सीखते थे और शस्त्र विद्या क्षत्रियों को सिखाते थे। वैश्य समाज को केवल बनियोजी भाषा सिखाई जाती थी, उनको न शास्त्र सिखाया जाता था न शस्त्र सिखाया जाता था, उनको बनियोटा भाषा सिखाई जाती थी। शूद्र को तो बिल्कुल पढ़ाया लिखाया ही नहीं जाता था। तो ये भेदभाव कैसे, भेदभाव नहीं है क्या? तो इसीलिए मैंने कहा ये केवल ब्राह्मण धर्म है, क्योंकि इसमें केवल ब्राह्मणों के प्रार्थना के लिए लिखा गया है। जैसे कि मैंने अभी कहा ब्राह्मण तू स्वयं हुआ मनुस्मृति, 5 साल 10 साल में 100 साल के छत्री का बाप 5 साल का ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण का वर्चस्व। और मानस में भी कि पूजे ही पित्र सकल गुण ही ना, सकल गुण ही ना, सभी गुणों से हीन हो, चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी हो, डकैत हो, हत्यारा हो, लेकिन पित्र है तो उसका सम्मान करो, यानी इसमें भी एक वर्ग विशेष का सम्मान। पूजन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, ज्ञानी गुणी कुछ भी हो वो अगर शूद्र है उसका सम्मान मत करो। ये हमारा धर्म कैसे हो सकता है? जो हमें नीच कहता हो, जो हमें अपमानित करने की बात करता हो, वो हमारा धर्म कैसे हो सकता है? इसीलिए 1931 की जाति जनगणना, सैनी जी 1931 की जाति जनगणना में ब्राह्मणों की संख्या 3.5 फीसदी। अगर इसको ब्राह्मण धर्म कहते तो 3.5 फीसदी के लोग अल्पसंख्यक बन जाते। अल्पसंख्यक न बने इसीलिए अपने साथ जोड़ लिया क्षत्रियों को भी, वैश्यों को भी, शूद्रों को भी, जिससे कि अगर सबकी संख्या लेंगे तो हम मजाटी में आ जाएंगे। ये इनकी चाल है। और जब मोहन भागवत जी, माननीय मोदी जी, माननीय गडकरी जी कह दिए हिंदू धर्म नहीं है और वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह दिया तो अंतर क्या है? लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जब कहेंगे तो हमारे मीडिया के भाई क्या लिखेंगे? विवादित बयान। और मोदी जी और गडकरी जी और मोहन भागवत जी कहेंगे तो विवादित बयान लिखने की इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि लिख देंगे तो दूसरे दिन जेल की सलाखों में ये हमारे मीडिया भाई दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों सत्य शोधक समाज के सम्मेलन में संकल्प लेके जाओ कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने, सावित्रीबाई फुले जी ने जो हमें सच समझने की सीख दी उसको सीखो, उसको समझो और उसको रास्ते पर चलो। जिस दिन सच पर चलना आप समझ जाओगे अपने आप आपके सम्मान और स्वाभिमान का परचम लहराएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज 150वीं सत्य शोधक समाज की स्थापना के आज सत्य शोधक समाज के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं आपको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, आयोजक साथियों को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ ये कोशिश करता हूँ कि ज्योतिबा फुले जी का ये कार्यवा आगे बढ़ता रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कार्यवा आगे बढ़ता रहे, सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, कल आपका होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय ज्योतिबा, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।